दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी स्कैम को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। इस जेल में ठग सुकेश चंद्रशेखर भी बंद है। सुकेश की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा गया, जिसमें उसने सिसोदिया को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के संगीन आरोप लगाए हैं। साथ ही एलजी से मांग की है कि वह इस पूरे मामले की जांच करवाएं। सुकेश ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल मनीष सिसोदिया की असुरक्षा की झूठी खबरें फैला रहा है। उपराज्यपाल को लिखे पत्र में चंद्रशेखर ने बताया कि सिसोदिया को तिहाड़ जेल के वार्ड नंबर 9 में बंद किया गया है, जो सबसे वीवीआईपी वार्ड है। इस वार्ड 9 में सुब्रोध रॉय, सहारा, अमर सिंह, ए राजा, सुरेश कलमाड़ी, संजय चंद्रा जैसे कैदियों को रखा गया था। सुकेश ने अपने पत्र में कहा कि जेल प्रशासन पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। सत्येंद्र जैन जेल कर्मचारियों को नियंत्रित करते हैं। मनीष सिसोदिया के ट्विटर हैंडल से आज एक ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा है कि साहिब, जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो, मगर मेरे हौसलों को तोड़ नहीं सकते। कष्ट अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को दिए, मगर उनके हौसले नहीं टूटे। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि आज तक सुना है कि देश में स्कूल खुलते हैं तो जेल बंद होती है, लेकिन अब इन लोगों ने तो स्कूल खोलने वालों को ही जेल में बंद कर दिया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई के बाद ईडी ने भी गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया इशू एंड आम आदमी पार्टी, एनीथिंग टू से अबाउट दैट? एंड नेक्स्ट विल बी मिस्टर केजरीवाल। What is your involvement with this entire liquor issue? I have given it in writing already that how close I've been to them, and I'm going to expose each one of them. Each one of them will be exposed by me. So do you expect more people to be arrested? Absolutely. Is this a... it's being said that you are raising allegations falsely to sort of get away with... No. What is being alleged against you? No. That's all wrong. This is only the truth. There's nothing like that. Sukesh, besides Satinder Chen and Manish Sisodia, who all are Mr. Kejriwal. Is he the kingpin? Yes, absolutely. He's the wazir and he will be taken to task very soon. And how are you involved with him? How are you involved in this entire situation? I have been involved with him from 2015. Please. What has been your role in the liquor scam? Are you also expecting to be arrested in that? No. Mine is completely a different matter altogether. There are 4 different other issues which I was involved with them, and who will prevail. So you're not involved in the liquor scam? No. And again, ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।